हाय फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे A4 का जो हैंडविल होता है उसको किस तरीका से जो बैक टू बैक आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीका का डिजाइन आया है। ठीक है, तो ये है जो कि दो पेज में है। इसको हम लोग पहले तो यहाँ पे ले आते हैं एक नंबर। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ्रंट हो गया और ये आपका बैक हो गया। अब ये जो है समझिए कि ये डिजाइन है जो कि बैक टू बैक है। ओके, बैक टू बैक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसको ये फिर बैक टू बैक भी है और फ्लैश कट भी है। अब इसको हम लोग को सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ पहले तो देख लेना है कि ये साइज क्या है। तो साइज यहाँ पे 8.5 और 11 है, 11.5 है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीका से एक बॉक्स लेंगे, इसका साइज करेंगे यहाँ पे 11.25। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करना, अल्ट एफिट लेना है और इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ प्लस कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो कि एक करेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीका से जो कि 4 को आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद अगर नया के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो यहाँ पे इसको अपने सिलेक्ट करके हम इसको हम घुमा लेते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना और सी और ई करना है, सेंटर ऑफ पेज मतलब इसका हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पे जाकर के रोटेट में 180 कर देना है। फिर इसको शिफ्ट के साथ धर लेना है, उसको सी और ई कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब ये दोनों को हटा देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए के साथ, इसको यहाँ पे करके फिर से इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि आपका हैंडविल है जो कि बैक टू बैक सेट हो चुका है। तो आप इसको इस तरीका से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्या है, कितना ये मतलब RGB क्या है नहीं है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर के यहाँ पे देख लेना है। तो ये सब यहाँ पे RGB नहीं है, यहाँ पे है। तो ये आपको फाइंड कर लेना है उस तरीका से जो बताए हैं कि किस तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको हम यहाँ पे ऊपर में आई कहीं पर दिखाई दे रहा होगा आई बटन का, वहाँ पे लिंक हम दे देंगे, वहाँ पर से जाकर के आप देख सकते हैं। CTP ऑपरेटिंग के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया A4 का। ठीक है, अब हम लोग A4 में ही लैंडस्केप का अगर डिजाइन है तो उसको आप किस तरीके से बैक टू बैक सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पोर्ट्रेट साइज में। इसको अगर आप PS बनाना है या PDF बनाना है तो आप इसको आप 90 डिग्री यहाँ पर घुमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेज साइज इसको ले सकते हैं, तो यहाँ 22.6 और 17.1 कर लेते हैं। ये अपना पेज साइज हो गया। यहाँ पर जो क्या लैंडस्केप कर लिया, अब यहाँ पर जो कि इसको PS या PDF आप बना सकते हैं, ये रेडी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब हम आपको बताते हैं कि लैंडस्केप का अगर डिजाइन बैक टू बैक है तो उसको किस तरीका से जो कि आप सेट कर सकते हैं। तो ये है जो कि लैंडस्केप का मीटर आ गया। ठीक है, अब ये इसी को आप दोनों चीज मान सकते हैं, इसी को आप लिफलेट भी मान सकते हैं, इसी को है जो कि आप कवर भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कवर है A4 का और वन ये डायरी जो होता है, डायरी का ये कवर हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये डायरी का ही शायद कवर होगा। इसको हम दोनों चीज मान के चलेंगे, लिफलेट भी मान के चलेंगे और डायरी का कवर भी मान के चलेंगे। आपको कैसे पहचानना कि डायरी का कवर है या लिफलेट है, वो आपको डिजाइन से ही पता चल जाएगा। तो ये है जो कि डायरी का कवर, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 नंबर 3 नंबर। मान लीजिए कि इसको बैक टू बैक करना, बैक टू बैक करना है तो पहले तो क्या आपको देख लेना है कि बैक टू बैक सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर के पीछे यहाँ पे 2 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है और लास्ट में ये 4 नंबर हो गया। अब इसको क्या करना है कि आपको उसी तरीका से जो कि यहाँ पर साइज ले लेना है, इसका हम लोग साइज ले लेंगे 11.25 और इधर 8.5 और इसको यहाँ से जो कि इस तरीका से कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डबल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसको यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको धरेंगे और सी और ई कर देंगे, सेंटर ऑफ पेज हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट के साथ धरेंगे और सी और ई कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसी को फिर से सिलेक्ट करके और यहाँ पर जो कि बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे देखने का चीज है, देख सकते हैं कि ये फ्लैश कट नहीं है। अगर इस तरीका से रहे तो आपको फिर बाद में इसको सिलेक्ट कर लेना है अल्ट के साथ और इसको जो कि यहाँ से साइज पकड़ के आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम इसको कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये फ्लैश कट हो चुका है। ठीक है, सबको अब हम रिप्लेस कर रहे हैं, कंट्रोल आर कर रहे हैं तो ये रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीका से आप इसको यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आपका इस तरीका से अगर कोई प्रॉब्लम होता है। ओके, तो
ये है जो कि आपका बैक टू बैक हो चुका है। तो आप इस तरीका से आप लैंड स्टेप में भी बैक टू बैक सेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो किया पोर्ट्रेट में भी इस तरीका से बैक टू बैक कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि बैक टू बैक किस तरीका से सेट किया जाता है, जो कि हम कल के वीडियो में जो कि बता चुके हैं कि सिंगल साइड रहेगा उसको आप किस तरीके से बैक टू बैक कर सकते हैं। इसी में जो कि अगर आपका चारों तरफ अगर भाट रहेगा तो इसी में जो कि आपका भाट बदला चल जाएगा। मान लीजिए कि इसको अगर साज रहे इसका हम साज कर देते हैं 10.8 और इधर से कर देते हैं 8.1। तो इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर अगर भाट का अगर रहे चारों तरफ की चारों तरफ भाट देना चारों तरफ भाट दे सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भाट भी दे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अकॉर्डिंग में। आई होप आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अकॉर्डिंग में, इस तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसका हम जो लिंक है जो कि आई बटन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चैनल पर जाकर के आप इसका सिटी पी ऑपरेटर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं।